है गाइज़ वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि फ्रेंड्स आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएँ तो गाइज़ आई होप कि ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा जाए आपका जो भी एम है वो पूरा हो जाए तो गाइज़ जैसा आपको पता है शनिवार में ठीक है सैटरडे को आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी तो गाइज थोड़ा सा आज लेट हो गया है ठीक है तो ये आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी शेड्यूल मैंने डाल रखा है आप उसको देख लेना लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है किस किस दिन आपको क्या क्लास मिलेगी तो गाइज़ ये क्लास आपको यू के टप्ल एस सी के एग्ज़ाम जितने भी होने हैं और यू के पी सी एस के जो एग्ज़ाम होने हैं उन सभी में आपको काफ़ी मदद करेंगे जैसा आपको पता है आने वाले टाइम में सबसे बड़ी भर्ती जो है वो उत्तराखंड पुलिस वाली और लेखपाल पटवारी वाली है जिसका भी देखिए वीडियो बी पी डीओ वाला पेपर सही नहीं हुआ है तो ये एग्ज़ाम आपके पास लगभग चार से पाँच महीने हैं आपके पास आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ क्योंकि कहते हैं अगर आपके पचास प्लस नंबर हैं तो इनको सत्तर या कहते हैं पैंसठ से सत्तर तक आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो गाइज़ आप अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देव भूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बाराउन बरने घंटे के इंसान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो गए देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको हर किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है चाहे आप यू के ट्रपल एस की तैयारी कर रहे हो यू के पी की या फिर आप सेंट्रल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो गए देखिए ये जो क्वेश्चन आता है काफ़ी पूछा जाता है तो लंदन जो है वो इस तरह से लिखा जाता है ठीक है ये कोड है चौबीस तीस अट्ठाईस तिरासी जीरो आठ ठीक है ये वाला कोड है तो इस इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे तो देखिए अब सबसे पहले अगर हम ए बी सी डी की बात करेंगे तो उसमें एल जो है हमारा वो कितने पर आता है कितने पर आता है गाइज एल जो आता है हमारा वो आता है हमारा बारह पे कितना आता है बारह पे तो इसमें हम दो की गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा चौबीस ऐसे ही ओ कितने पर आता है हमारा गाइज तो ओ जो आता है गाइज हमारा पंद्रह पर आता है ठीक है तो पंद्रह गुणा दो बराबर कितना हो जाएगा तीस यानी इसमें जो भी मतलब वर्ड है उसको दो से हमने गुणा कर देना तो ऐसे ही हम लोग फ्रांस वाला देख लेंगे कि फ्रांस को किस तरह से हम लोग ठीक है सॉल्व करेंगे तो एफ़ कितने पर आता है गाइज़ हमारा छः पे आता है तो छः गुणा दो बराबर कितना हो जाएगा बारह ठीक है उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड क्या है आर तो आर हमारा कितने पर आता है गाइज तो आर आता है हमारा अट्ठारह पर कितना पर आता है अट्ठारह पर अट्ठारह धुनी कितना होता है हमारा छत्तीस तो आप दो से ही देख सकते हैं किस वाले हमारा आंसर आ गया है ये सी वाले में तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा अगर इसमें बारह छत्तीस कुछ सेम ऑप्शन होते तो हम आगे भी सॉल्व करते अब हमारा दो इसे सॉल्व करके आ गया तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यदि पुस्तक को घड़ी कहें घड़ी को बैग बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहें तो पुस्तक ले जाने के लिए किसको प्रयुक्त करेंगे तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग पुस्तक को क्या कहते हैं हम लोग पुस्तक को क्या कहा गया है इसमें घड़ी ठीक है और घड़ी को क्या कहा गया है बैग ठीक है और बैग को क्या कहा गया है गैज़ शब्दकोश क्या कहा गया है शब्दकोश और शब्दकोश को क्या कहा गया है खिड़की क्या कहा गया है खिड़की तो देखिए हम लोग जो पुस्तक ले जाते हैं किस चीज़ में ले जाते हैं बैग में ले जाते हैं ठीक है किस में ले जाते हैं बैग में ले जाते हैं लेकिन बैग बैग को क्या कहा गया है इसमें शब्दकोश तो हम पुस्तक किस में ले जाएंगे शब्दकोश में ठीक है तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा मैंने गाइज वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है यदि बैट को 69 और बुक को 172 तो पेन को जो है किस तरह से लिखा जाएगा तो हम पहले बी ए टी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ठीक है बी ए टी क्योंकि इसमें पहला जब तक सॉल्व नहीं करेंगे हम दूसरा नहीं निकाल सकते तो देखिए बात करें हम लोग बी ए टी बैट तो इसका क्या है? निकल के आया है सिक्सटी नाइन अभी किस तरह से निकल कर आया देखिए अब हम सबसे पहले अक्षर देख लेते हैं बी कितने पे आता है दो पे आता है ए कितने पे आता है एक पे आता है टी कितने पे आता है देखिए बीस पे आता है अगर हम इनको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये तेईस कितना हो जाएगा गाइस ये तेईस अब देखिए तेईस है ये अब इस तेईस को अब अक्षर कितने हमारे पास तीन ठीक है अब इनको हम लोग गुणा करेंगे तीन से तो कितना आ जाएगा सिक्सटी नाइन कितना आ जाएगा गाइज सिक्सटी नाइन ऐसे ही बुक को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो बी हमारा कितने पर आता है गाइज बी हमारा आता है दूसरे पे और वो कितने पर आता है पंद्रह पंद्रह और ग्यारह ठीक है के आता है अगर हम लोग इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे तैंतालीस अब तैंतालीस को अक्षर कितने हैं इसमें चार अगर चार से गुणा करेंगे तो कितना आता है वन अब बात आती है पेन ठीक है तो देखिए P जो आता है हमारा कितने पे आता है सोलह पे आता है ठीक है E कितने पे आता है हमारा पाँच पे आता है और N कितने पे आता है हमारा चौदह पे आता है अगर हम इनको काउंट करें ठीक है तो ये कितने हो जाएंगे पैंतीस कितने हो जाएंगे गाइज ये पैंतीस अगर हम इसकी गुणा तीन से करें क्योंकि अक्सर हमारे पास तीन है ठीक है तो कितना हो जाएगा एक सौ पाँच कितना आ जाएगा गाइज यहाँ पर एक सौ पाँच तो ऑप्शन जो है हमारा बी जो है राइट हो जाएगा देखिए इसमें टाइम लगता है तभी कहते हैं कि रीजनिंग के सवाल सबसे लास्ट में करने चाहिए हमको ठीक है तो कई तरह से निकलते हैं पहले हम गुड़ा करते हैं प्लस करते हैं माइनस भी करते हैं ठीक है तो कई तरह से इसके मैथड होते हैं अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग वंडरफुल शब्दों के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित तो होंगे अब देखिए बात करें हम लोग वंडरफुल की ठीक है तो इसको हम लोग पहले सेम टू तो सेम वैसे ही उतार लेते हैं ठीक है वंडरफुल तो अब ये क्या कह रहा है कि वर्णमाला के क्रम अब हम लोग इनको जो है वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले आएगा इसमें डी तो डी लिख लेते हैं हम लोग उसके बाद आएगा ई ई लिख लेते हैं उसके बाद क्या आएगा एफ़ ठीक है इन्हीं अक्षरों को हम लोग वर्णमाला के क्रम में लिख लेंगे फिर आएगा हमारा एल फिर क्या आएगा हमारा एन फिर क्या आएगा हमारा ओ उसके बाद क्या आएगा आर ये हमारा यू है ठीक है उसके बाद आएगा यू फिर आएगा एल तो इसमें हमारा एक ही वर्ड है जो मिल रहा है ठीक है मिल रहा है तो हमारा इसमें ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपके सामने कितना भी बड़ा शब्द दे दें अगर वो वर्णमाला के क्रम में लिखने को कहेगा तो पहले आप जो मेन शब्द दे रखा उसको लिख लो फिर उन्हीं वर्ड को ठीक है वर्णमाला के क्रम में लिख लो जो जिसके नीचे आएगा वो हो जाएगा ठीक है तो इसमें एक अक्षर जो है बिल्कुल वर्णमाला के क्रम में आ रहा है ठीक है अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज अंग्रेजी वर्णमाला में अपने बाएँ से दसवें अक्षर ठीक है बाएं से दसवें अक्षर के दाए नौवा अक्षर कौन सा होगा अब देखिए इसको आप दो तरह से कर सकते हैं एक तो आप फार्मूले से कर सकते हैं इसको ठीक है फार्मूले से कर सकते हैं दूसरा आप इसको जो ए बी सी डी होती हैं पूरी छब्बीस के छब्बीस अक्सर होते हैं उनसे कर सकते हैं तो पहले हम लोग फार्मूले से देख लेते हैं फार्मूले से तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है एल प्लस आर होता है लेफ्ट राइट ठीक है तो हमारा इसमें लेफ़्ट वाला कौन सा है हमारा दस ठीक है और राइट right वाला हमारा कौन सा है नौ no. अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है उन्नीस क्या हो जाता है गाइस हमारा उन्नीस हो जाता है और उन्नीस पर हमारा कौन सा आता है एस कौन सा आता है गाइज़ एस आता है अब मैं आपको इसको ए बी सी डी से दिखा देता हूँ एक बार तो देखिए गाइज यह है ए बी सी डी अब वो आपसे क्या कह रहा है कि बाएँ से दसवें तो हम लोग इधर से बाएँ से दसवें गिन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ठीक है तो दसवें पर क्या आ रहा हमारा गाइज क्या रहा हमारा जे ठीक है क्या रहा हमारा जे यानी बाएं से जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है दस अब ये कह रहा है कि इस दस के इस दस के दाएँ ठीक है ठीक है कौन सा वाला नौवा अक्षर तो नौवा अक्षर कौन सा हो जाएगा देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो क्या हो गया एस ठीक है तो देखिए आंसर फार्मूले से भी यही आएगा और इस तरह से निकालेंगे तब भी यही आएगा तो सबसे अच्छा हो जाएगा सबसे बढ़िया आपका फार्मूले आपको चार फार्मूले याद रखने हैं लेफ्ट प्लस राइट राइट माइनस राइट लेफ्ट माइनस लेफ्ट ठीक है और राइट माइनस लेफ्ट अगर ये चारों फॉर्मूले आपको याद है ना तो आराम से आप निकाल सकते हैं क्योंकि फार्मूले से सेम टू सेम आंसर आता है ठीक है इस तो देखिए आज मैंने सिर्फ आपको कितने क्वेश्चन कराए है केवल पाँच क्योंकि गाइज़ आज देखिए फर्स्ट वीडियो थी रीजनिंग की इसलिए मैंने पाँच क्वेश्चन लिया और पाँच क्वेश्चन वो लिए हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं तो गाइज देखिए ये ना सोचें आज मैंने पाँच ही क्वेश्चन कराए हैं क्योंकि इसी तरह से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपका अगर एक भी क्वेश्चन फंस जाता है ना तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होती है तो कल जो है देखिए संडे है कल को शाम को आपको एक पूरा पेपर मिलेगा ठीक है उसमें आपको हिंदी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे उत्तराखंड के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जीके के कंप्यूटर के और रीजनिंग के सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो कल का जो हम लोगों का जो हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे मतलब एक मॉडल पेपर बनाएंगे ठीक है जिस तरह से जो लेखपाल पटौरे वाला एग्जाम होगा तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग